जय हिंद दोस्तों, भाई कैसे हो? एक और नए वीडियो पर स्वागत। दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी भी सामान को ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद 100% आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी चुटके में। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, दिल से मन से कमेंट्स करना, प्यार से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई ऐसा रोज़ आपको नया नया अपडेट एंड नया सोशल मीडिया का ट्रिक आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। तो भाई मैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूँ, इसी प्रकार दोस्त आपको भी अपना फ्लिपकार्ट ओपन कर लेना। अब भाई यहाँ पर आपको बहुत सारा आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत सारा आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब भाई यहाँ पर आपको आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अंडर 99, यहाँ पे 199, 299 आपको मिल जाता है। आप जो भी सामान आप यहाँ से खरीदना चाहते हैं बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर जो चाहते हो वो सामान आपको यहाँ पे लेना है, सबसे ऊपर आपको मिलता है सर्च करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, तो मैं सर्च कर देना हूँ यहाँ पे कुछ इस प्रकार टी शर्ट, तो यहाँ पे टी शर्ट फॉर मैन ने सर्च किया। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर आ चुका है बहुत सारा टी शर्ट दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी टी शर्ट को यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट बाय मिलता है, आपको फिल्टर मिल जाता है, ब्रांड मिल जाता है, साइज़ मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर सिस्टम मिल जाता है। एंड उसके बाद अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे आपको ये टी शर्ट आपको परचेज करना है, कोई नली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है माई लाइफ लाइन, यहाँ पर इस प्रकार क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। आपको प्रोडक्ट देखना है कोई परचेस किया है नहीं, तो सिंपल सा यहाँ पर आपको नीचे कर यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है, इसका रेट देख लेना है। अब आपको भाई कौन साइज़ लगता है, तो भाई यहाँ पर जैसे आपको मान लीजिए एम लगता है, यहाँ पर एम क्लिक करना है। अब बट आपका जो साइज़ लगता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक। सबसे नीचे आपको मिलता है बाय नाउ, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर समरी आ जाता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अब भाई अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे व्यू प्राइस डिटेल्स यहाँ पे 251 रुपये का आपको दिखा दे रहा है भाई यहाँ पे पहले से ही। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक। दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने फ्लिपकार्ट पर एड्रेस नहीं भरे हुए तो यहाँ पे एड्रेस भाई भरने के लिए बोला जाएगा उसके पहले। तो अगर आप एड्रेस नहीं भर पा रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख कर बिल्कुल आप एड्रेस भर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपका कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग, वैलेट्स, तो आप अगर पैसा देना चाहते हो घर से तो यहाँ पर घर से जाने की, तो कैश ऑन डिलीवरी हाथ में देना है तो भाई कैश ऑन डिलीवरी, और नेट से करने की ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, आपको यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड मिल जाता है भाई, तब वो करना है कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि भाई जब डिलीवरी बॉय आएगा मेरा प्रोडक्ट देने तभी उसके मैं हाथ में पैसा दूंगा। इस प्रकार पे क्लिक कर देना है कैश ऑन डिलीवरी पर। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्लीज़ ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, तो फिर कन्फर्म कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर कन्फर्म ऑर्डर कर देना है। यहाँ पर आपको करना है कन्फर्म ऑर्डर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो वैसे आप क्लिक कर, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का माई ऑर्डर पर दिखाई देगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, यहाँ पे इस प्रकार मेरा ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर प्लीज़ यहाँ पे 4 रुपन कॉइन्स बनना, यानी कि पूरी तरह से आपका ऑर्डर यहाँ पे थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ यू, यानी कि आपका ऑर्डर क्या हो चुका है, यानी कि आप जो सामान यहाँ पे आपने परचेस किया है वो आपका सामान ऑर्डर हो चुका है। अब दोस्तों जब आएगा जो आपने यहाँ पे नंबर लगाया हुआ है, जो अपने एड्रेस में नंबर भरा हुआ है भाई, वही नंबर पर कॉल आएगा तो वहाँ से आप सामान परचेस कर सकते हैं। एंड आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है, यानी कि जब डिलीवरी बॉय आएगा तो आप उसको पैसा देना, आपके हाथ में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो भाई इस प्रकार आप किसी भी सामान को परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट्स करना, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो। तब तक दोस्तों जय हिंद, ठीक है, अपना ख्याल।